किया सर्टोस हमारे पास आई हुई है। थी ये चलते चलते कहीं पे बंद हो गई थी, तो अभी हम इसे टोचन करके ले आए हैं अपने सर्विस सेंटर पे। और जो दिक्कत है गाड़ी में वो क्लच प्लेट की, तो जो इसकी क्लच प्लेट है वो पूरी तरह ख़राब हो गई है, और जहाँ पे ये चेंज की जाएंगी। ये हमारे क्लच प्लेट खोलने का काम स्टार्ट हो गया है। जैसे ही क्लच प्लेट खुल के हमारे पास आएगी मैं आपको उसकी कंडीशन चेक करा दूंगा, जो क्लच प्लेट की कंडीशन है। अभी मेरे पास जो क्लच प्लेट है किया की वो ये रही, तो इसमें जो लेदर की पैडिंग होती है वो पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से ये गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी ये क्लच प्लेट इसमें चेंज की जाएगी। तो कंडीशन आप देख सकते हैं क्लच प्लेट की, ये हमारे पास किया की नई क्लच प्लेट थी वो आ गई है, और इसकी जो फिटिंग का काम है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने इसमें नई क्लच प्लेट थी वो हमने इसमें लगा दी है, जो पहले की जो क्लच प्लेट थी और उसकी जो कंडीशन थी, और जो नई क्लच प्लेट है उसकी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। अब इस गाड़ी में हम लोगों ने क्लच प्लेट हो गई, प्रेशर प्लेट हो गई, और क्लच का जो हाइड्रोलिक बैरिंग हो गया है वो हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। और अब इसका जो क्लच पहले पत्थर की तरह हार्ड था, अब बिल्कुल स्मूथ हो गया है और गाड़ी चलने में। ये गाड़ी हमारी शॉप में पहुंची, तो शॉप में आने के बाद हम लोगों ने जब ये गाड़ी खोली तो एक साइड का क्लच प्लेट का लेदर पूरा ख़राब हो गया था, जल गया था। अब गाड़ी की ट्राई मारने के बाद हम लोगों ने गाड़ी चेक करी, तो चेक करने के बाद रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, मतलब गाड़ी बिल्कुल ओके है। अब कस्टमर को हम लोगों ने गाड़ी देनी है, तो हम लोगों ने इस गाड़ी की धुलाई से लेकर क्लच प्लेट, मतलब ए टू जेड काम करके कस्टमर के हाथ में दे रहे हैं, तो मतलब गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है इस समय।